सुकून दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इस तपती गर्मी के 6 ऐसे फूलों को लेके आई हूँ जिनकी भीनी भीनी खुशबू और फूलों का सफेद कलर मन को गजब का सुकून देती है। आइए देखते हैं वो 6 फूल कौन कौन से हैं। सुगंधराज यानी गार्डेनिया, इस फूल को हम लोग केप जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। उर्दू में इसे गुल चांद कहते हैं। यह फूल अपने अंदर एक अनछुआ मौन संवाद रखती है, यानी यह विश्वास, सादगी, प्योरिटी और यह सीक्रेट लव का प्रतीक माना जाता है। दिन और रात दोनों समय इस फूल में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। रजनीगंधा यानी ट्यूब रोज, इसे निशिगंधा कहते हैं। रात में इस फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। इसके पत्ते भी हरे भरे बहुत सुंदर दिखते हैं। एक लंबे डंटल के ऊपर सफ़ेद कलर की छोटी छोटी कलियाँ एक एक करके खिलती हैं। कट फ्लावर के रूप में इस फूल का इस्तेमाल खूब होता है। यह फूल कंद से लगता है और यह भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। चमेली जिसे मोगरा कहते हैं, इसे जैस्मिन फ्लावर भी कहते हैं। यह फूल रात में खिलता है और इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि इसे खुशबू की रानी भी कहते हैं। बेला यानी अरेबियन जैस्मिन, इसे मोतिया भी कहते हैं क्योंकि इसकी कली छोटे छोटे सफ़ेद कलर की मोती की तरह बिल्कुल दिखता है और इस यह फूल भी रात में खूब ज़्यादा खिलता है। इसके गजरे भी बहुत अच्छे बनते हैं। कामिनी यानी ऑरेंज जैस्मिन, यह भी फूल रात में खिलता है और खुशबू बहुत दूर दूर तक इसकी जाती है। इसकी मिनिएचर वैरायटी भी आता है, उसमें भी फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। चांदनी यानी क्रेप जैस्मिन, इसी तगार प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यह सिंगल और डबल पेटल दोनों में आती है। मिनी चांदनी भी आती है और वेरिएटेड चांदनी भी आती है। इस डबल पेटल का फूल इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है जिसके चलते इसे मून बीम ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह प्लांट अपने ऊपर एक साथ ढेरों कलियां लेके आती हैं और एक बार में बहुत ज़्यादा फूल देती हैं, इसलिए पूजा के लिए तो यह फूल बहुत ही उपयुक्त होता है। इन फूलों को देखकर लगता है कि प्रकृति हमारी कितनी खूबसूरत है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।